हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमास डिश डायरी। आज मैं आपको एप्पल रबड़ी बना के दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने ये दो एप्पल लिए हैं, इसको मैं ग्रेट करूँगी। ये देखिए, मैंने आधा किलो होल मिल्क लिया है, मलाई के साथ लिया है। इसको मैं गैस पे रख के इसको गाढ़ा करेंगे, तब तक मैं एप्पल ग्रेट कर लेती हूँ। एप्पल को पील करके मैंने ग्रेट कर लिया है, अब इसको फ्राई करूँगी मैं। ये 1 टीस्पून मैंने देसी घी लिया है, इसमें मैं फ्राई करूँगी। घी ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अब ये डालूँगी, फ्लेम मीडियम ही रखी। 5 मिनट इसका देख के सूख गया है, इसमें मैं चिरौंजी और पिस्ता डाल रही हूँ साथ में। बस अब ये रेडी हो गया है। अब ये देखिए, दूध गाढ़ा होने लगा है। अब इसमें चुटकी भर में बेकिंग सोडा डालूंगी। इससे क्या होगा कि दूध फटेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि एप्पल डालने से दूध फट जाता है, बट इसमें कोई टेस्ट में फर्क नहीं आएगा। आप इसको डाल दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा ही पड़ेगा, चुटकी भर सोडा पड़ेगा। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डालूंगी। अभी इसको और थोड़ा गाढ़ा कर लेंगे। अब दूध गाढ़ा हो गया, अब इसमें मैं एप्पल डालूंगी। अब शुगर ऐड करूंगी मैं इसमें। शुगर थोड़ी कम ही डालिएगा, क्योंकि मैंने मिल्क पाउडर डाला है, उस थोड़ा मीठा होता है, तो ज़्यादा ना हो जाए। इसलिए आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितनी शुगर आपको खानी है। मैंने 1.5 चम्मच डाली है। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर, कितनी गाढ़ी सी होगी। ये देखिए गाढ़ी हो गई काफ़ी। अब इसमें मैं नटमेग डालूंगी, जायफल, ऐसे घिस के डाल दीजिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। और अगर किसी को पसंद नहीं है नटमेग, तो आप फिर इलायची पाउडर डाल दीजिएगा। थोड़ा पिस्ता और चिरौंजी और डालूंगी। पिस्ता को मैंने श्रेड करके लिया है। इसको आप फ्रिज में रख के ठंडा करके सर्व करिएगा। अभी मैं इसको बंद कर देती हूँ, क्योंकि नटमेग का इसमें फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद मैं प्लेटिंग करती हूँ। एप्पल रबड़ी रेडी हो गई है। अब मैंने इसको ड्राई फ्रूट्स और नटमेग से गार्निश किया है। आप इसको ठंडा करके मेहमानों को जरूर खिलाएगा। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ही सर्व करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट है। और आप खाइए और मुझे बताइए कमेंट में आपको कैसे लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।